टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस निया शर्मा ने काफी लंबे समय तक टीवी से ब्रेक लिया था। अब जाकर निया शर्मा ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया। निया शर्मा ने दूसरे मीडियम्स में अवसर तलाशने के लिए टेलीविजन से ब्रेक लिया था। हालांकि उनके पास ऑफर आए लेकिन वे सफल नहीं हुए या उतने दिलचस्प नहीं थे। एक्ट्रेस अब शो सुहागन चुड़ैल से टीवी की दुनिया में वापसी कर रही है। निया शर्मा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि टीवी से ब्रेक लेकर दूसरे माध्यमों में काम ढूंढना कितना चुनौतीपूर्ण रहा था। निया शर्मा ने ई टाइम के साथ बातचीत में कहा कि जब उन्होंने टेलीविजन से बाहर के प्रोजेक्ट्स की खोज की तो ऑफर भी आए लेकिन या तो वे दिलचस्प नहीं थे या सफल नहीं हुए। एक्ट्रेस ने कहा, एक छवि को तोड़ना और एक नया माध्यम तलाशना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि जिन लोगों से मैं मिली वो जानते हैं कि मेरे काम की सराहना भी करते हैं, लेकिन इससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। अब इस बीच में 3 साल कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। इस दौरान कई टेलीविजन शो ऑफर हुए लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं आया। मुझे यह लगता है कि पिछले कुछ सालों में टेलीविजन माध्यम को नुकसान हुआ है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। उन्होंने आगे कहा कि उनके करियर के इस पड़ाव पर सही बजट के साथ कंटेंट वाला प्रोजेक्ट हासिल करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। निया ने कहा, अक्सर लोग मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बहुत अधिक फीस लेती हूँ, जो सच हो सकता है। फिर ऐसे समय भी आते हैं जब आप जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर उत्साहित होते हैं वो आगे नहीं बढ़ती। स्तर पर अपने नियमों और शर्तों पर सहमति प्राप्त करना आसान नहीं है। निया ने स्वीकार किया कि इतने लंबे समय तक टेलीविजन से दूर रहना जोखिम था और उनके आसपास के लोगों को उनके फैसले पर संदेह था। एक्ट्रेस ने कहा, कभी कभी उनकी राय मुझ तक पहुंच जाती थी लेकिन मुझे पता था कि मैं किसी कारण से काम करने से इनकार कर रही हूँ। गायब होना कभी भी मेरी चिंता का विषय नहीं रहा। यही कारण है कि मैं आराम से बैठकर प्रेशर को संभाल सकी। मुझे खुशी है कि मैं प्रासंगिक बने रहने के लिए मुझे शो करने की जरूरत नहीं थी। वहीं निया शर्मा ने एक बार कहा था, मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि मुझे 4 साल काम नहीं मिला। मैंने कुछ रियलिटी शो जरूर किए लेकिन डेली सोप में काम नहीं किया। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा था, मैं कई बार खुद से पूछती हूँ ये सवाल है कि मैंने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया जब मेरे पास काफी ज्यादा ऑफर्स आ रहे थे और मैंने मना कर दिए। निया ने कहा, मुझे शोज तो काफी मिले लेकिन मेरा मना कर दिए क्योंकि मैं खुद के लिए कुछ दिलचस्प ढूंढ रही थी। हम एक ऐसी फील्ड का हिस्सा है जहां कब क्या हो जाए, कौन पॉपुलर हो जाए, कुछ नहीं पता। बता दे, निया शर्मा शो सुहागन चुड़ैल में नजर आ रही है।